अब तक एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन शिनचान को बचाने के लिए माउंट चिलियार्ड के ऊपर जाने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ शहर के अंदर दोनों बीस्ट आमने सामने आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में भूकंप आने लगते हैं और फ्रैंकलिन को मजबूरन उन बीस्ट को रोकने के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही फ्रैंकलिन शहर के अंदर पहुंच जाता है, उसे वहां पे द क्रिएटर ऑफ बुक बीस्ट का क्रिएटर मिल जाता है, जिससे फ्रैंकलिन को पता चल जाता है तुम्हारी ये पूरा प्लेनेट कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को ट्री लैंटर्न से ये बात पता चल जाती है कि द बुक ऑफ बीस्ट की पहले भी एक वॉर हो चुकी है, जिसमें इंसानियत की एक नस्ल खत्म हो चुकी है जो कि डायनासोर के जमाने में थी। और दूसरी तरफ दोनों बीस्ट आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बीस्ट हार जाता है और फ्रैंकलिन अपनी पूरी ऑल फोर लैंटर्न की ताकत से उस बीस्ट को हरा देता है। दूसरी तरफ चॉप को भी एक बुक ऑफ बीस्ट मिल जाती है और वो भी उसे छू के और बीस्ट को आजाद कर देता है। अब आगे जल्दी बचाओ, शिनचान बहुत ही सीरियस मोड में जा चुका है, वो उठने का नाम नहीं ले रहा है, मुझे लगता है उसे दौरा पड़ रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, जल्द से जल्द हॉस्पिटल को ढूंढो। हॉस्पिटल शिट, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और अभी मैं जिस लोकेशन के ऊपर हूँ वहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है टोनी स्टार्क, तुम्हें कुछ करो। फ्रैंकलिन, मेरे सूट के अंदर पानी चला गया है और बहुत सारे शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, इसलिए मैं उठ के जा नहीं सकता और मैं भी बहुत दूर हूँ और माउंट चिलियर के आसपास भी एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा फ्रैंकलिन। शिट, मैं क्या करूँ। शिनचान, ये क्रिएटर की ऐसी की तैसी, इस बुक को जिसने भी बनाया है पक्का वो मेरे हाथ से मरने वाला है। अभी मैंने अपनी पूरी ऑल फॉर लाइटर की ताकत उस बीस को रोकने में यूज कर दी है, तो टोनी मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज कोई रास्ता निकालो। फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक की है, तुम्हारे राइट साइड पे 12 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन तुम्हें वहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसी बात है, ओके, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे सिटी के अंदर भी हड़बड़ मच रही है, बहुत सारे लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, ये क्या सिग्नल लग गया, मैं तो बोलती हूँ सिग्नल तोड़ दे, हमारी जान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शहर में बीस्ट आ गए हैं। तेरे की शेड, इन लोगों ने तो सिग्नल भी तोड़ दिया है, लोग पागल हो रहे हैं। वेट, नहीं, फ्रैंकलिन क्या हो गया, तुम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो, तुम्हें लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। टोनी स्टार्क, एक और बुक, और उसे चॉप ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये क्या बोल रहा है, चॉप के पास भी बुक, चॉप कहाँ पे है, मैं उसकी धड़कने महसूस कर रहा हूँ, उसकी धड़कने धीरे धीरे स्लो हो रही है। टोनी स्टार्क, क्या कहा, ये गड़बड़ हो गई, सारी की सारी गलती उस बुक्स की है, क्योंकि वो बुक इंसानों के लिए बनाई गई है, जानवरों के लिए नहीं, अगर जानवर ने उसे छू लिया तो वो मर जाएगा। और उसमें से मुझे एनर्जी भी बाहर निकलती हुई महसूस हो रही है, इसका मतलब बीस्ट और बाहर निकले हैं। टोनी अब क्या करें, सिचुएशन पूरी टाइट हो चुकी है, शिनचान भी दौरा पड़ रहा है और दूसरी तरफ चॉप भी खतरे में है। फ्रैंकलिन, मुझे कोई आईडिया नहीं है, एविजेस को मैंने बैकअप के लिए बुला लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुमने ऑल फोर लैंटर्न की सारी ताकत यूज कर ली, एविजेस इसमें कोई हेल्प कर पाएंगे। तो अब क्या करें टोनी, मेरा चॉप और शिनचान दोनों भी खतरे में है, ये कैसे कैसे लोग हैं, पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। आंटी निकलो यहाँ से, ये लोग भी पागल हो चुके हैं, पूरा शहर और पूरा प्लेनेट खतरे में है, जाके कहाँ पे भागोगे बेवकूफो। कोई बात नहीं टोनी, इसके लिए कोई रास्ता है। फ्रैंकलिन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, शिनचान की धड़कनें भी स्लो हो रही है। क्या कहा, शिनचान की भी धड़कनें स्लो हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ। चॉप, नहीं, मेरे भाई, मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दे सकता। क्या करूँ मैं, वेट, ये क्या हो रहा है मेरे हाथों को। फ्रैंकलिन, तुम मुझे भूल गए। ब्लू टेल, शिट, मैं तुम्हें भूल ही गया। मैं तुम्हें अभी वो ताकत दे देता हूँ, जल्दी करो। और मैंने शिनचान की धड़कन को भी स्लो कर दिया है, टाइम को कंट्रोल करके। चॉप के पास समय नहीं है, एक टाइम पे मैं एक की जान बचा सकता हूँ। फ्रैंकलिन, मुझे नहीं पता, अचानक से शिनचान की धड़कनें नॉर्मल हो रही है। हाँ, ये सब कुछ ब्लू टेल की वजह से हुआ है, ब्लू टेल तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, चॉप खतरे में है, जल्दी करो। और हाँ, उस बुक के अंदर से दो पीस बाहर आ चुके हैं, तुम्हें इसके बारे में पता है। हाँ मुझे पता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, पहले चलो यहाँ से। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं एनर्जी। हमारे पास कितना समय है ब्लू टेल। फ्रैंकलिन, चॉप धीरे धीरे मर रहा है, 5 मिनट के अंदर
अंदर उसकी पूरी जान चली जाएगी। जल्दी करो, ज्यादा दूर नहीं है, माउंट चिलियर के पहाड़ों के पास ही एक और पहाड़ है, वहीं पे वो बुक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है द बुक ऑफ बीस्ट दो हिस्सों में कैसे बट गए। मुझे भी नहीं पता, पहली बात तो द बुक ऑफ बीस्ट की कहानी ही मुझे नहीं पता, तुम्हें कोई आइडिया है? मेरे पास तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अनंत ब्रह्मांड में एग्जिस्ट होने वाले बहुत सारे प्लूटो प्लैनेट्स के अंदर ये बुक्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, और मैंने ये भी सुना था उन प्लूटो प्लैनेट्स के डिस्ट्रॉय होने के रीजंस वो द बुक ऑफ बीस्ट ही है। क्या कहा तुमने, सारे के सारे प्लूटो प्लैनेट और वो भी अनंत ब्रह्मांड के? ओह माय गॉड, और पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह करने से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसे कितने सारे प्लैनेट थे जो कि बुक ऑफ बीस्ट के द्वारा खत्म किए गए हो? मेरे हिसाब से कुल 5000 प्लैनेट्स। वेट अ सेकेंड, 5000 प्लैनेट? तो हमारा अर्थ तो एक ही प्लैनेट है। मुझे तो लगता है वो क्रिएटर बहुत खतरनाक है। क्या कहा फ्रैंकलिन, तुम क्रिएटर से मिले हुए हो? हाँ, मैं क्रिएटर से मिला हुआ हूँ। उसने कहा वो द बुक ऑफ बीस्ट का क्रिएटर है, उसी ने ही बहुत सालों पहले अर्थ के ऊपर या अलग अलग प्लैनेट के ऊपर जो भी बीस्ट यानी अजीबोगरीब क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी ताकतों को कंट्रोल करने के लिए वो बुक बनाई थी, और उसी के अंदर सारे के सारे बीस्ट को कैद कर दिया था, और उसने मुझे बहुत ही कम मोहलत दी है। अगर मैंने एक महीने के अंदर उसे बहुत सारी बुक जो कि हमारे अर्थ के ऊपर है वो उसे नहीं लौटाई तो वो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। वेट अ सेकेंड, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अर्थ के ऊपर द बुक ऑफ बीस्ट का सिलसिला कैसे चालू हुआ? क्योंकि वो तो अनंत ब्रह्मांड की समस्या है, वो तुम्हारे यूनिवर्स में कैसे आ सकती है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है अभी मुझे शिनचैन को और चॉप को दोनों को बचाना है। शिनचैन की जान अभी खतरे से बाहर है, चॉप ऊपर है, जल्दी जाओ। ओके, ये क्या हुआ? फ्रैंकलिन, मेरी ताकत कम हो रही है, जल्दी जाओ। ओके, जा रहा हूँ। चॉप, रुक जाओ। ये क्या हो गया? ब्लू टेल। फ्रैंकलिन, मेरी पावर कमजोर पड़ रही है, पता नहीं मुझे लगता है बुक ऑफ पीस के नजदीक जाने से ऐसा हो रहा है। क्या कहा तुमने? कोई बात नहीं, मैं पहुंच गया। ये रहा चॉप, वहाँ से हट जाओ। फ्रैंकलिन भैया, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। अभी दो बीस्ट इसके अंदर से बाहर निकले हैं, प्लीज बचाओ। तुम्हें उसके ऊपर वार करना होगा, उसे लात मार के दूर करो। क्या, लात मार के दूर करूँ तो मैं चिपक जाऊंगा? कोई बात नहीं, मैं इतना कैपेबल हूँ कि उस बुक की शक्ति को दूर कर सकूँ। ब्लू टेल, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, लेकिन मुझे बचाने के लिए ये करना होगा। चॉप, माफ कर देना। फ्रैंकलिन भैया, मैं छूट गया। भागो 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 भागो। मैं तो आपके पास आ रहा था, शिनचैन के पास जा रहा था, पता नहीं ये बुक कहाँ से आ गई और मैंने देखा नहीं, और मैं से चिटक गया और उसके अंदर से दो बीस्ट बाहर निकले हैं। फ्रैंकलिन भैया, बहुत खतरनाक है। क्या कहा, दो बीस्ट? शिट, अब क्या करें? फ्रैंकलिन, ये बुक बहुत खतरनाक है। ऐसे तुम्हारे पास अभी कितनी बुक है? अभी तो मेरे पास दो बुक है, एक शिनचैन के पास और एक ये रही यहाँ पे पड़ी है चॉप के पास। वेट, चॉप बुक कहाँ पे गई? मुझे नहीं पता, मैं तो आपके पास देख रहा था, बुक तो यहीं पे थी। मुझे लगा ही था। तुम्हें क्या लगा था ब्लू टेल? कोई तो हमारा पीछा कर रहा था। शिट, इसका मतलब वही हुआ, किसी बुरे हाथ में लग गई वो बुक। मैं तुम्हें कहने वाला था, लेकिन चॉप की जान खतरे में थी। फ्रैंकलिन भैया, शुक्रिया, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ी, सॉरी। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, हम उस बुक को ढूंढ लेंगे। अभी तुम्हें उस बीस्ट को रोकना है जो इस बुक से बाहर निकले है। चॉप, मुझे एक बात बताओ, वो अब दोनों बीस्ट कहाँ पे गए हैं? वो शहर की तरफ गए हैं। शहर की तरफ वापस? शहर में इन लोगों का क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं उनसे कैसे लड़ूं? ब्लू टेल, क्या तुम मुझे अपनी ताकत दे सकोगे? नहीं फ्रैंकलिन, तुम्हें यहाँ तक भगाने में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो चुकी है, और द बुक ऑफ बीस्ट के आजू बाजू में जाने से मेरी एनर्जी कम पड़ रही है, मेरी एनर्जी से तुम्हें कोई फायदा नहीं। तो मैं अब उन दोनों बीस्ट को रोकूंगा कैसे? काश हम लोग ये कर पाते, उन दोनों बीस्ट को रोकने के लिए हम भी अपना बीस्ट छोड़ देते तो बीस्ट आमने सामने लड़ सकते थे, कितना अच्छा हो जाता, हम लोगों को कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। चॉप, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं 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 नहीं, तूने बहुत अच्छा कहा। वेट अ सेकंड, ब्लू टेल, क्या ये हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ? फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, बस बातें कर सकता हूँ। अरे यार, बताओ ना फ्रैंकलिन भैया, क्या? अगर मैं सोच रहा हूँ गाइस, अगर वो हो सके तो बहुत ही बड़ी ताकत हमारे पास है। चॉप, हमारे पास भी यानी शिनचैन के पास एक बीस्ट है। क्या कहो, शिनचैन के पास कौन सा बीस्ट? अरे अरे, मेरा मतलब है बीस्ट नहीं, उसके पास भी एक द बुक ऑफ बीस्ट है। अगर हम उस बुक ऑफ बीस्ट की मदद से एक बीस्ट को बाहर निकाल पाए और हमने उसे कंट्रोल कर दिया तो हम उस बीस्ट की मदद से उन दोनों बीस्ट को रोक पाएंगे। अरे, आपका मतलब है वो पोकेबॉल जैसे? हमारे पास भी पोकेबॉल रहता है तो हम लोग उस पोकेमॉन्स को कैसे बाहर निकलते हैं लड़ने के लिए? वो हमारी सारी बातें मानते हैं और आपको मास्टर समझते हैं। हाँ वैसे ही, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, क्या मैं उस बुक का मास्टर बन पाऊंगा? फ्रैंकलिन, तुम बन पाओगे क्योंकि तुम एक लाइंटन हो, बहुत ताकतवर।
और उस बुक का पहला रूल है कि किसी भी कमजोर और जीवित प्राणी को अगर उस बुक ने छू लिया और वो इंसान और प्राणी कमजोर है तो वो बुक ऑफ बीस्ट उसके ऊपर काबू कर लेगी। लेकिन मैं तो ताकतवर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। गाइस चलो चलते हैं, इस प्लान को आजमाते हैं। एक काम करता हूँ, टोनी को पूछ लेता हूँ, नहीं तो उसके पास भी वो बुक ऑफ बीस्ट नहीं रहेगी। फ्रैंकलिन क्या हुआ, बोलो, शिनचैन अभी होश में आ गया है। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन भैया कैसे हो, अब मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे ऊपर इतना चिल्ला क्यों रहे थे। और हाँ फ्रैंकलिन, वो बुक भी सब है मेरे सामने ही है। टोनी स्टार्क उस बुक को देख के रखना, क्योंकि उस बुक को चोरी किया जा सकता है। मुझे नहीं पता चॉप के पास जो बुक थी वो अचानक से चोरी हो गई है और वो हमारे पास नहीं है। क्या कहा फ्रैंकलिन, मैं उसे देख रहा हूँ, शिनचैन भी देख रहा है। ओह माय गॉड ये बुक कितनी खतरनाक है। चॉप जल्दी जल्दी कर, हमें पहुँचना होगा। ओके फ्रैंकलिन भैया, लेकिन कहाँ पे? माउंट चिलियार के ऊपर, तू पीछे से आ जाना ठीक है। अगर फिर से कोई बुक मिल जाएगी तो उसे छूना नहीं बस, क्योंकि तू बहुत स्लो है। चलो चलते हैं। फ्रैंकलिन तूने चॉप को अधूरा छोड़ दिया, अगर फिर से कोई बुक ऑफ बीस्ट ने उसे कब्जा कर लिया तो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आ गया था, मुझे ले लो फ्रैंकलिन भैया। ओके आजा चॉप जल्दी कर। अरे यार आपको तो मेरी केयर ही नहीं है, मैं यहाँ पे मर जाता था। बेवकूफ, इसीलिए तो मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ, कितनी दूर से आया हूँ और ब्लू टेल ने भी हेल्प की है। मैं इतना कुछ खास नहीं हूँ। ओहो तुम तो शिनचैन की तरह बात कर रहे हो। तुम दोनों उसके साथ रह रहे के पागल हो गए हो। कोई बात नहीं, जल्दी चलो, हम लोगों को माउंट चिलियार के पास पहुंचना है, क्योंकि दो बुई शहर में जा चुके हैं। अगर हमारा ये प्लान कामयाब कर गया कि हम लोग वो दूसरे वाले बुक ऑफ बीस्ट की मदद से एक और बीस्ट बाहर निकल पाए और उन शहर वाले बीस्ट को रोक पाए तो हमारे पास बहुत सारी ताकतें आ जाएंगी। क्या बोलते हो ब्लू टेल? लेकिन जो दूसरी बुक है वो बहुत ताकतवर है, मैं महसूस किया था ये पहली वाली बुक एक बेसिक बुक है। क्या कहा? तो उससे उन दोनों मॉन्स्टर को नहीं रोका जा सकता। मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकता। अरे जल्दी करो, मुझे भी देखना है कि आप उस बुक को कंट्रोल कर पाते हो, आप उस बुक के मास्टर बन पाते हो तो हम लड़ाई जीत पाएंगे। फ्रैंकलिन भैया अभी आपके लैंटर्स किसी काम के नहीं है। क्या कहा चॉप? माफ करना, बहुत अच्छे लैंटर्स है। गाइस लैंटर्स ओपी, मेरा फेवरेट तो टीम फॉर लैंटर है, टीम फॉर लैंटर ओपी। और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हाँ सही कहा गाइस, फटाक से कर दो, तब तक हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो? चॉप तो चिंता मत कर, मैंने शिनचैन और टोनी स्टार्क को यहाँ पे बुला लिया है। मैंने कहा माउंट चिलियार के नीचे आ जाओ, क्योंकि हम लोग ऊपर जाएंगे तो बहुत समय आ जाएगा और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ओह माय गॉड व्हाट अ टेक्निक, अब तो बहुत होशियार लड़ाकू हूँ। इसीलिए तो बोलता हूँ कि मैं हूँ एक दुनिया का सबसे ताकतवर टीम फॉर लैंटर्न। गाइस हम लोग नजदीक है, आई होप उस बुक का हमारे ऊपर उल्टा रिएक्शन ना पड़े। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे उस बुक को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताओ। और अगर हम लोगों ने उस बुक को कंट्रोल कर लिया तो हम लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं? आप में से किसी के पास कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट करो। फ्रैंकलिन भैया रुको, वो रहा शिनचैन। शिनचैन तू ठीक है मेरे भाई? ओह माय गॉड फ्रैंकलिन भैया आप ठीक हो, मुझे आपको मिलके कितना अच्छा लग रहा है, मैं कैसे बताऊं? पागल वागल हो गया क्या शिनचैन? तू खतरे में था, तेरी जान खतरे में थी। और ऊपर से यार मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर मत रहे, और यार क्या प्यार का सीन है, फ्रैंकलिन भैया झुक के प्यार जता रहे हैं। बेवकूफ प्यार नहीं जता रहा, मैं इसको एक लाफा मारना चाहता हूँ। तुझे कितनी बार कहा है बेवकूफ बच्चे, शरारती कई के मछली पकड़ते पकड़ते अकेले कोई भाग जाता है। अगर आगे से ऐसा किया ना तो मैं सच्ची में बोल रहा हूँ आगे से सारे दिन शिमला मिर्च खिलाऊंगा। ओह माय गॉड ऐसे मत करो प्लीज, मैं तो कभी आगे जाऊंगा नहीं किधर, सॉरी। मुझे लगा यहाँ पे प्यार वाला सीन है, ये तो बहुत खतरनाक सीन है। चुप हो जा चॉप। टोनी कहाँ पे है वो बुक? मिल गई। ओह माय गॉड ये वाली बुक तो बहुत खतरनाक है। फ्रैंकलिन तुम करना क्या चाहते हो वो बताओ, तुम्हारी इरादे बहुत गलत लग रहे हैं। टोनी स्टार्क मैं इस बुक को कंट्रोल करने वाला हूँ। फ्रैंकलिन ये नहीं कर सकते। टोनी मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा करोगे तो आपकी जान खतरे में है। तुम सब चिंता मत करो, ब्लू टेल मेरे साथ है। सही कहा दोस्तों, मैं फ्रैंकलिन को ताकत देता रहूंगा और अगर ऐसा कुछ होता है कि ये बुक फ्रैंकलिन के ऊपर काबू कर रही है तो मैं खुद फ्रैंकलिन को झटका देके आजाद कर दूंगा। फ्रैंकलिन तुम्हारा प्लान मुझे कामयाब होते हुए नहीं दिख रहा, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने जर्वे से पता लगाया पूरे शहर में दो बड़े बड़े बीस्ट घूम रहे हैं और पूरा शहर उथल पुथल कर रहे हैं, हमारे पास जब समय नहीं है। ओके ये समय आ चुका है बुक ऑफ बीस्ट को काबू करने का, तुम सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। ब्लू टेल क्या तुम तैयार हो? फ्रैंकलिन मैं हमेशा तैयार हूँ। ओह माय गॉड इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ता है? तुम्हें ये हाथ दिख रहा है क्या? मेरा हाथ? ये वाला नहीं, ये वाला, ये उस क्रिएटर का हाथ है जिसने इस बुक को बनाया। लेकिन उसका हाथ क्यों काट दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका हाथ उस वजह से काटा है क्योंकि वो कभी पूरी जिंदगी ऐसी बुक बना ना पाया। ये तो बहुत गलत है। कोई बात नहीं, अब मैं इस बुक को काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाग रहा हूँ चॉप, तू देख ले यहाँ पे। शिनचैन मैं
काफी दूर जा रहा हूँ, मुझे इस पार से बहुत डर लग रहा है। तो यहाँ पे छुप जाऊंगा, ये बहुत खतरनाक पार्क है। मम्मी मुझे इस बिजली से बहुत डर लग रहा है, कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे जाऊँ, इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। फ्रैंकलिन ये बात नहीं सुन रहा है। ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन भैया भी उसके कब्जे में आ गए। शिट फ्रैंकलिन, मुझे भी दूर जाना पड़ेगा। वही बादल, वही बिजलियाँ। शिट, नहीं 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 नहीं, ये हो क्या रहा है। ओ माय गॉड, ये वाली बादल और बिजली बहुत तेज है, कुछ गड़बड़ लगती है। फ्रैंकलिन होश में हो? टोनी स्टार्क, मैं होश में हूँ। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन तुम ठीक तो हो? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। फ्रैंकलिन इस हाथ के ऊपर हाथ रख दो। क्या कहा? इस हाथ के ऊपर? ओके, मैंने रख दिया। देखो अब ये बुक तुम्हें बीस्ट आजाद करने की परमिशन मांगेगी। क्या तुम्हें इस बुक के सारे नियम मंजूर हैं? अगर हाँ, तुम जो चाहे उस बीस्ट को आजाद कर सकते हो, लेकिन बाकी के रूल्स धीरे धीरे तुम्हें पता चलेंगे। इसके लिए भी तुम तैयार हो तो तुम ही इस बुक के मालिक बन सकोगे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? फ्रैंकलिन बुक तुम्हारा परीक्षा ले रही है, तुम्हें इसमें सफल होना है। फ्रैंकलिन मैं इस सारी चीजों के लिए तैयार हूँ। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी बिजलियाँ आसमान में। पक्का तुम ही हो इसके मालिक, तो बीस्ट को आजाद करो। ओके बीस्ट आजाद हो जाओ और शहर में जो मॉन्स्टर है उन्हें खत्म करने में मेरी हेल्प करो। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी बिजलियाँ। ये बुक की बिजलियाँ है, अब बीस्ट आजाद हो रहा है। देखो ये क्या है? ओह माय गॉड, ये इतनी जल्दी मेरे सामने आ गया, मेरी तो फट गई। और ये हम लोगों की क्या, मेरी गिली हो गई। ओह माय गॉड, मेरे पास एक और चड्डी नहीं है। शिट 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 शिट, ये क्या है? ये तुम्हारा बीस्ट है, तुमने इसे बुलाया है, अब तुम इसे इंस्ट्रक्शन देके कंट्रोल कर सकती हो। फ्रैंकलिन ये क्या चीज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। टोनी मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब क्या ही करें, हमें इस चीज की आदत लगानी होगी, क्योंकि यही है हम इंसानों का फ्यूचर। बीस्ट चलो और जाओ, कंट्रोल करो उन बीस्ट को और खत्म करो। ये हुई ना बात फ्रैंकलिन, वो तुम्हारी बात मान रहा है। जाओ बीस्ट जाओ। फ्रैंकलिन अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? करो तो सही, फिर तुम्हें जादू पता चलेगा इस बुक का, कि इस बुक के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। ओके मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या मैं भी एक बीस्ट बन गया हूँ? नहीं फ्रैंकलिन, तुम एक बीस्ट को अब अपनी ब्रेन से कंट्रोल कर पाओगे। ओह माय गॉड, अब समझ में आ गया क्यों शैतानी लोग इस बुक के पीछे पड़े हैं। जो भी बीस्ट इस बुक से बाहर निकलेगा, अगर उस बुक का मास्टर चाहे तो उस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। अगर कंट्रोल करे इसका मतलब वो खुद एक बीस्ट बन सकता है। बिना बीस्ट बने बीस्ट की ताकत को कंट्रोल करना, यही तो है पावर। पावर इसीलिए वो बुक जिसने भी चुराई है उसके इरादे बहुत गलत है। उससे पहले तुम्हें शहर जाना होगा, जल्दी करो। ऑलराइट, मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। गाय देखो, अब इसे अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। मेरे लैंडन्स ने उन बीस्ट के सामने कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब ये वाला बीस्ट उन्हीं के लेवल का है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने इन सारे लोगों को कहा था कि मुझे ये ताकत बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब एक ताकत जो कि ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, वो अगर अच्छे हाथों में पड़ गई तो क्या कर सकती है। अब ये बुराई को बताने का समय आ चुका है। तो चलो फ्रैंकलिन, तुम्हारे सामने वो दोनों बीस्ट आ रहे हैं, क्योंकि इस बुक का नियम है अगर दूसरे बुक के अंदर से कोई बीस्ट निकलता है तो दूसरे बीस्ट को पता चल जाता है और दोनों आमने सामने आके लड़ने लगते हैं। मैं इससे अनजान नहीं हूँ। आ जाओ नमूनो, मैं हूँ एक बीस्ट ओनर। मुझे तो डर लग रहा है फ्रैंकलिन भैया, क्या इस बीस्ट को कंट्रोल कर पाओगे? क्या ऐसे अनगिनत है? चौप, डरने की कोई बात नहीं। और हाँ, ऐसे अनगिनत बुक से एक बुक तो अभी अभी किसके हाथ में लग गई मुझे नहीं पता। फ्रैंकलिन जो करना रहो वो देखो, वो आ गए। वेट सेकेंड, ये क्या चीज है? ये तो एक क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल बीस्ट समझ में नहीं आ रहा है, और ऊपर से ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शिट, ये पक्का उसी यानी चॉप के बुक के अंदर से निकला है। और ऊपर से ये क्या है? ये तो एक स्नेक है। ये हो क्या रहा है? लेकिन इनकी साइज छोटी है, इसकी वजह से मैं इन सबको मार सकता हूँ, लेकिन इसको कमजोर समझना बुरी बात है। ये लो दोनों के दोनों। फ्रैंकलिन तुम अभी इस शरीर को कंट्रोल करने के लायक नहीं हो, तो अपने शरीर को ताकतवर मत समझना, क्योंकि तुम इसे कंट्रोल करने में माहिर नहीं हो। कोई बात नहीं, ये लो बेवकूफो, मैं तुम सबको नोच के खा लूंगा। ये लोग तो बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है अब मैं करूँ क्या। ये खा।
मुझे इन सबको मारने के लिए अपनी पूरी जी जान लगानी होगी, और ये तो मुझे ऐसे मार रहे कि मैं इनका कोई पुराना दुश्मन हूँ। फ्रैंकलिन भैया, आप हार नहीं मान सकते, आप हमारे हीरो हो। चौप के बच्चे, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ऐसे क्रिएचर्स को आजाद करके मुझे तकलीफ दी है। ये का बहुत हो गया, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो नमूनो। लेकिन दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, इसकी मदद से वो दोनों ताकतवर हो रहे हैं और मुझे लड़ने का फिर से मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है, मैं ना तो एक लैंटर्न हूँ, ना तो मुझे ऑल फॉर लैंटर्न की ताकत यूज करनी है, मुझे बस तुम्हें मार मार के हराना है। एक क्रोकोडाइल बीस्ट और एक स्नेक बीस्ट जिसके पांच पांच मुंडियां है, और उन सबका नामो निशान मुझे खत्म करना ही होगा। ये लगा लाफा। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, अब तुम कंट्रोल कर रहे हो इन सबको, मजा आ गया। यही मौका है, अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। दोनों अलग अलग हो चुके हैं। वो दूसरा कहाँ पे चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी करो, खत्म करो। हाँ, ये देखो मैंने इसको पकड़ लिया। तुम्हारा काम खत्म होता है, निकलो। देखो मैंने एक को हरा दिया, दूसरा कहाँ पे है? वो रहा दूसरा, आ जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नमूने वो देखो, वो जा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। भैया अब कर सकते हो। चौप के बच्चे तू चुप ही रहे, ये तो खतरनाक बीस तू नहीं आजाद किया है। बेवकूफ, इधर आ नमूने मगरमच्छ, बहुत नखरे कर रहा है। अब तुझे बताता हूँ, मैंने पकड़ लिया इसे। ये ले, क्या छूट गया? फ्रैंकलिन कमजोर मत समझना, ये छोटा है लेकिन बहुत फुर्तीला है। सही कहा गाइस, हमें इन बीस का सामना करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत उछल रहा है, इसकी स्पीड और इसकी स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको आराम से बीट कर कमाएंगे। लेकिन उसके लिए आप सब लोगों को वीडियो को लाइक कभी कभी करना होगा, क्योंकि मेरी ताकत कमजोर पड़ रही है, मैं आंखें खुल रही है। हो क्या रहा है? अरे ये क्या शिनचैन, मधुमक्खियां। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन भैया, मधुमक्खी आपको काट रही है। शिनचैन चुप, जल्दी करो, फ्रैंकलिन की आंखें खुलनी नहीं चाहिए। हो क्या रहा है? मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रैंकलिन आंखें मत खोलना, तुम्हारे दूसरे शरीर को तकलीफ हो रही है। क्या कहा? दूसरे शरीर को तकलीफ? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जल्दी करो नहीं तो तुम अपना काबू खो दोगे। बहुत हो गया मगर मत, बहुत उछल लिया। अब तुझे इस पानी में डालने का मेरा मन कर रहा है। इधर आ जा बेवकूफ, जल्दी करो इसे निपटा। ओके ये ले। मैंने इसे हरा ही दिया, मजा आ गया। ओह अच्छा हुआ, मधुमक्खियाँ मैंने भगा दी। अरे भाई तो फ्रैंकलिन भैया होश में आ जाओ। ओके मैं अपनी आंखें खोल लाऊं गाइस, लेकिन इसके बाद इस बीच का क्या होगा? कि ये शहर में तबाही मचाएगा? मेरे हिसाब से ये गायब हो जाएगा, क्योंकि तुमने इसे जो मकसद दिया था वो उसमें कामयाब हो चुका है। ऐसी बात है, तो चलो गाइस इट्स टाइम टू ओपन आईज। ये क्या हो रहा है? मेरे चमड़ी को क्या हो गया? फ्रैंकलिन बहुत सारी मधुमक्खी ने तुम्हें काट लिया है। कोई बात नहीं, शिनचैन और चौप तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे। अरे लेकिन अब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, ये भूख से मुझे डर लगता है। सही कहा फ्रैंकलिन, देखा ये काम कैसे करता है। अब समझ में आ गया गाइस, ये द बुक ऑफ बीस काम कैसे करती है। आपको भी समझ में आ गया ना कि हम लोग इनके अंदर जितने भी अनगिनत बीस थे उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक पोकी बॉल। लेकिन पोकी बॉल से हमें उन्हें पकड़ना पड़ता है, और यहाँ पे सिनारियो अलग है। यहाँ पे किसी और क्रिएटर ने बहुत सारे दानवों को पकड़ा है, और उनके अनगिनत अनगिनत सीक्रेट से उनकी अनगिनत अनगिनत ताकत है, और वो अनगिनत अनगिनत विशाल और अनइमेजिनेबल और ना किसी ने देखे हुए क्रिएचर से। क्या हमें इस बुक को रखना चाहिए? फ्रैंकलिन हमें इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, मेरी बात मानो। वेट अ सेकंड, ये क्या, ये वापस कैसे आ गया? मैंने कहा था ये वापस जरूर आएगा। टोनी स्टार्क, इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं, लेकिन ये बीस्ट आया क्यों है? बुक ऑफ बीस्ट का अगला नियम तुम्हारे सामने रिवील हो रहा है। अगर तुम्हारा कोई भी बीस्ट तुम्हारे आदेश का पालन करते हुए मर जाता है तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर आदेश का पालन करना सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बुक ऑफ बीस्ट के अंदर आने के लिए तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन मरा हुआ बीस्ट तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, और जिस बीस्ट को तुम यूज करोगे अगर वो जिंदा लौटता है तो तुम्हारी मर्जी, तुम उस बीस्ट को कोई नाम रखे वापस बुला सकते हो। यही है अगला नियम। मतलब तुम इस बीस्ट को वापस इस्तेमाल कर सकते हो, वो तुम्हारे पोकेबॉल जैसे। लेकिन उसमें पोकेमोन मरता नहीं है, वो रीहील हो जाता है। इसमें बीस्ट मर रहा है, अगर जिंदा लौटा तो ही मैं इसे यूज कर पाऊंगा। ठीक है मैं इस बीस्ट का नाम रखता हूँ बुल बीस्ट। गाइस आपको ये नाम कैसे लगा? ओह माय गॉड ये नाम तो बहुत बढ़िया है। बुल बीस्ट अपनी बुलिश शक्तियों के साथ वापस आ जाओ। देखो वो आ गया।
ये चला गया। ये बुक तो बहुत ही मस्त है टोनी। इसे हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सबसे पहले इसे मुझे लेके जाना है। लेकिन कैसे लेके जाऊँ? यहाँ पे कुछ तो बटन है। ओके काम करता हूँ, इसे दबा के देखता हूँ। वो ये क्या हो गया, ये कहाँ पे चली गई? मेरे हिसाब से ये बुक गायब हो गई है। तुम जब चाहो इस बुक को तुम्हारे सामने बुला सकते हो, इससे बुक चोरी भी नहीं हो सकती। ये तो बहुत अच्छा नियम है टोनी। मेरी बात सुनो, हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फ्रैंकलिन, हमने इसे रखा तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन तुम एक बात नहीं समझ रहे हो, एक और बुक जो कि चॉप को मिली थी वो चोरी हो गई है। क्या कहा? मतलब खतरा टला नहीं है? खतरा टला नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जिस क्रिएटर के साथ मेरी बात हुई थी उसने कहा था उसने ऐसे अनगिनत बुक्स को क्रिएट किया है और वो अब अर्थ के ऊपर कहीं पे छुपी हुई है। बस हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, और अगर गलत हाथ में लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो ढूंढते हैं एवेंजर्स को, मैंने बुला लिया है। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को आज का द बुक ऑफ बीच का एपिसोड कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और आपकी कुछ राय होगी और आपकी कुछ प्रिडिक्शन होगी या आप कुछ चाहते होगे तो आपको कमेंट में बता सकते हो। मिलेंगे एक और आनंद वीडियो के साथ, और आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।